बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम अदनान खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आई ट्वेल्व सेक्टर पे है और इसमें मैं आपको आई ट्वेल्व वन और आई ट्वेल्व फोर का कुछ एरिया, एक दो स्ट्रीट जो है आई ट्वेल्व फोर की, उसका विज़िट करवाऊंगा और मैप से मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन सा एरिया आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रीट नंबर 26 दिखाऊँगा, यहाँ पर एक्सीवेशन हो रही है, और उसके बाद आपको स्ट्रीट नंबर 25 थोड़ा सा इस एरिए का विज़िट करवाऊंगा। और इस एरिए में अभी घर बने हुए हैं, यहाँ की वीडियो मैं नहीं बना सका। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और सबसे पहले आपको ये स्ट्रीट नंबर 26 जो कि आई ट्वेल्व फोर सेक्टर की है ये, और स्ट्रीट नंबर 25 आपको दिखाई जाएगी। दोस्तों, ये है स्ट्रीट नंबर 26 आई ट्वेल्व फोर सेक्टर की, यहाँ पर एक्सीवेशन की जा रही। स्ट्रीट नंबर 25 जस्ट इसकी मार्किंग हुई हुई है, एक्सीबिशन का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट एरिया जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सिविक सेंटर का एरिया है, और यहाँ पे एक नया रोड बन चुका है और इसके साथ यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल दो रोड बनाए गए हैं, और ये पार्क रोड है और इसके साथ ये नए रोड बनाए गए हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। ये सिविक सेंटर का एरिया है जो कि अभी आपको मैं मैप पे दिखा रहा था, यहाँ पे बारिशों का काफ़ी सारा पानी जमा हुआ हुआ है। ये है जी वो रोड जो कि पार्क रोड के साथ सिविक सेंटर का जो मैप है जो मैंने आपको बताया था, ये उसमें एक नया रोड ऐड किया गया है। राइट साइड पे सिविक सेंटर का एरिया है और मेरे बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी रोड है, और ये वहाँ से एक रोड बनाया गया है जो कि मैंने मैप पे आपको बताया था। ये है जी पार्क रोड और इसके लेफ्ट साइड पे सिविक सेंटर का एरिया है, और ये आई ट्वेल्व सेक्टर वन में है। स्ट्रीट नंबर 26 और इसके एक्सीवेशन का काम किया जा रहा है। Thank you.
ये है जी स्ट्रीट नंबर 17। ये है जी स्ट्रीट नंबर 28 और ये बीच में 27 है स्ट्रीट नंबर जो कि नीचे तक जा रही है, और इसके साथ ये लेफ्ट साइड पे ये जो स्ट्रीट है ये स्ट्रीट नंबर 20 है। ये जो सामने आपको स्ट्रीट नज़र आ रही है ये जो एक्सिबिशन की जा रही है ये स्ट्रीट नंबर 31 है जो कि बोकरा रोड के साथ है। दोस्तों अभी जो मैं आपको एरिया दिखाने जा रहा हूँ वो स्ट्रीट नंबर 23, स्ट्रीट नंबर 22 और कुछ एरिया जो है स्ट्रीट नंबर 21 का होगा, और कुछ एरिया ये स्कूल का, और यहाँ पे नीचे एक नाले के साथ स्टोन मेसनरी वॉल का काम किया जा रहा था तो वो एरिया आपको दिखाया जाएगा, और बाकी जो ये स्ट्रीट हैं स्ट्रीट नंबर 18 और 19 ये एरिया आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। नीचे जो आपको रोड नज़र आ रहा है ये स्ट्रीट नंबर 23 है। स्ट्रीट नंबर 24 जो कि बोकरा रोड के साथ जाके लिंक करेगा। ये है जी स्ट्रीट नंबर 23। ये स्ट्रीट नंबर 21 है और इसके सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये कॉलेज का एरिया है। सामने जो आपको कलवट नज़र आ रही है ये 13 एवेन्यू की कलवट है, और इसके साथ ये जो एरिया नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये कॉलेज का एरिया है जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था, और इसके साथ स्ट्रीट नंबर 21 है। अभी जो आपको एरिया मैं दिखाने जा रहा हूँ वो स्ट्रीट नंबर 38, 33, 34, 37 और कुछ एरिया स्ट्रीट नंबर 32 का होगा। यह है जी स्ट्रीट नंबर 33 जो कि बोकरा रोड के साथ है, और इसके साथ सामने जो आपको स्ट्रीट नज़र आ रही है वो स्ट्रीट नंबर 38 थी, और इसके साथ ये स्ट्रीट नंबर 37 है। ये स्ट्रीट नंबर 33 है जो कि बोकरा रोड के साथ है, और ये स्ट्रीट नंबर 32 में जाके लिंक करती है। Thank you.
ये स्ट्रीट नंबर 32 है जो कि बोकरा रोड से स्टार्ट होकर सिविक सेंटर रोड तक जाती है। नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे स्ट्रीट नंबर 51, 52 और कुछ एरिया स्ट्रीट नंबर 53, 54 और इसके साथ स्ट्रीट नंबर 50, 49, कुछ एरिया आपको स्ट्रीट नंबर 44 और 47 का दिखाया जाएगा। ये है जी स्ट्रीट नंबर 49 और इसके साथ स्ट्रीट नंबर 50 है और इसमें ये जो क्रॉसिंग है, जो ये जो राइट साइड पे आपको स्ट्रीट नज़र आ रही है, ये स्ट्रीट नंबर 51 है और ये स्ट्रीट नंबर 50 है जिसकी एक्सीवेशन का काम किया जा रहा है। ये सामने जो आपको स्ट्रीट नज़र आ रही है ये स्ट्रीट नंबर 53 है और इसके लास्ट में पार्क और मस्जिद का एरिया। स्ट्रीट नंबर 36 एक्सीवेशन का काम हो चुका है। ये है जी स्ट्रीट नंबर 44 और वो सामने वाली जो स्ट्रीट आपको नजर आ रही है वो 47 है। सेक्टर I-12 की नई अपडेट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।